अपनी जान है, चलो यही उतर जाते हैं, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। आप सबका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि वेदास सिटी को आज एक बहुत बड़ा गौरव मिला है, और वो गौरव है देश के सबसे लंबे रेलवे टनल रूट का। इस टनल रूट से वेदास सिटी से ट्रेन निकलेगी और वीनस सिटी पर उसका टर्मिनल होगा। लोगों के लिए टनल रूट से ट्रेवल करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू। शिवा, उन चार लोगों को देखो, मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। किन की बात कर रही हो रेवा? शिवा, शिवा वो देखो, वो चारों भागकर इंजन में चढ़ गए। अगर नॉर्मल पैसेंजर होते तो उनको पैसेंजर डिब्बे में बैठना चाहिए था। ओके रेवा, तो मैं अभी जाकर उन्हें देखता हूँ। लड्डू सिंह जी सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। बैटरी डाउन हो गई है, बिना बैटरी के मैं साइकिल को फ्लाई नहीं कर सकता। ग्लू टायर को ऑन करके ट्रेन पे ही साइकिल चलानी होगी। उस बच्चे को देखो, वो बच्चा है कि कोई अजूबा? तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम सब क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ ट्रेन चलाने पर ध्यान दो, और जहाँ हम रुकने को कहेंगे ट्रेन रोक देना। हेलो अंकल, मैं भी साथ चलूँ क्या? ये बच्चा अंदर कैसे आ गया? पकड़ो इसे। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। पकड़ो, मारो उसको। चला था हमसे टक्कर ले। सिंह जी, ये रहे आपके मेहमान।
तुम लोगों ने ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश की। हाई। तुम लोगों को पता नहीं कि यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर कोई ट्रेन तो क्या बस भी हाईजैक करने की कोशिश नहीं करता। हाई। लड्डू सिंह जी, आज शिवा टाइम पर नहीं आता तो शायद मैं भी कुछ नहीं कर पाता। थैंक यू शिवा। अब आप जाइए, नहीं तो पैसेंजर्स परेशान हो जाएंगे। टनेल के अंदर अभी तो लाइट्स लगी नहीं, फिर ये रोशनी कैसी है? हैं? और ये क्या? ये दूसरा ट्रैक कहां से आ गया? कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या? ये ट्रेन कंट्रोल में नहीं है और ये ट्रैक भी चेंज नहीं हो रहा। अरे ट्रेन को रोक क्यों दिया? बताओ, टनल के उद्घाटन पर ये हाल है तो आगे जाने क्या होगा? ड्राइवर, ये कौन से स्टेशन पर ट्रेन को रोक दिया तुमने? मुझे खुद ही नहीं पता कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, ये मेरा स्टेशन है। मेरा नाम है गुमनाम सिंह और आप सबका गुमनाम स्टेशन में स्वागत है। इस जगह और मेरे बारे में और कोई कुछ नहीं जानता। गुमनाम सिंह, तुमने मेरी ट्रेन को क्यों रोका है? यही तो मेरी खासियत है, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, छोटे काम मुझे सूट नहीं करते। आपका इस रूट पर सफर बहुत लंबा होने वाला है, तो आराम से बैठ जाइए और देखिए अब मैं क्या करता हूँ। हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बाहर निकालो, नहीं तो पुलिस को फोन करेंगे। पुलिस? ओहो, रा वो बैग तो गायब हो गया। किसका बैग था? आपका? आपका? जिसका भी बैग था अब तो वो इस गुमनाम स्टेशन में हमेशा हमेशा के लिए खो गया। अब अगर तुम लोग खोना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाओ, हैं? मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। नानी जी, शिवा घर पर है क्या? अरे अरे लड्डू सिंह, थोड़ा सुस्ता तो लो पहले। तुम इतना पसीने पसीने हो रहे हो, इसके पीछे तो दो ही बातें हो सकती है। या तो तुम गर्मी से बेहाल होकर पसीने पसीने हो, या फिर शिवा को बुलाने आए हो। अगर गर्मी से परेशान हो तब तो मैं आपको अभी ठंडा पिलाती हूँ, लेकिन अगर शिवा को बुलाने आए हो तो पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। हाँ लड्डू सिंह, तुम इतने थके हारे क्यों दिख रहे हो? शिवा की नानी, कुछ पानी वानी पिलाओ। नाना जी, मैं तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों का हाल चाल लेता चलूं। नानी जी तो ऐसे ही मेरे ऊपर शक करती रहती है कि मैं जब कोई मुसीबत में होता हूँ तभी आप सबसे मिलने आता हूँ। अब आप ही बताइए नाना जी, आज सुबह ही टनल ट्रेन का मैंने उद्घाटन किया, ट्रेन अच्छे से निकली और टनल में से होते हुए गई। नाना जी, अब आप ही बताइए, उसके बाद ट्रेन टनल में अपने आप गायब तो नहीं हो सकती ना? क्या? हाँ नाना जी, हाँ। नानी जी, अब तो पानी पिला दो। नाना जी, ट्रेन टनल में गई और पूरी की पूरी ट्रेन अचानक कहीं गायब हो गई है। मुझे यात्रियों के घर वालों की सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं।
ये तो बहुत बुरा हुआ। लड्डू सिंह ये लो बढ़िया नींबू पानी। अरे कहाँ गया लड्डू सिंह? शिवा भी साथ निकल लिया ना? भगवान तुम तो यूं ही परेशान होती रहती हो, वो दोनों साथ में घूमने गए हैं। लाओ मैं नींबू पानी पी लेता हूँ। अरे वाह क्या नींबू पानी बन रहा है। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है दोनों कहाँ गए होंगे। चलिए लड्डू सिंह जी, टनल में जाकर ही कोई सुराग मिलेगा। लड्डू सिंह जी बहुत चौंकाने वाली बात है कि इतनी लंबी ट्रेन टनल के अंदर से कैसे गायब हो गई। कहीं कोई भूत तो नहीं है यहाँ पर जो ट्रेन को गायब कर देता है? हाँ भूत को उसी ट्रेन में बैठकर कहीं जाना होगा ना। बिना यूडी ये कैसी लाइट है, ये तो ट्रेन का इंजन है। जब ट्रेन टनल में से गायब हो चुकी है तो ये इधर कैसे आ सकती है? भागो! लड्डू सिंह जी, रेवा आदि यूडी कहाँ है? वो सब तो ट्रैक के साइड में कूद गए थे। टनल में तो दूर दूर तक कोई नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी आंखों के सामने इंजन आया और मिनटों में गायब भी हो गया। लगता है यूडी सही कह रहा था, इस टनल में जरूर कोई भूत है, भूत ही सबको गायब कर रहे हैं। अफो लड्डू सिंह जी, आप इंस्पेक्टर होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। शिवा तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ओके लड्डू सिंह जी। येड़ा राम, हमें भी अंदर जाना ही पड़ेगा, शिवा को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ये तो रेवा का रुमाल है, इसका मतलब इस जगह तक रेवा लोग आए हैं, पर यहाँ से कहाँ गायब हो गए? यहाँ तो सब तरफ दीवार ही है। इस वॉल के अंदर ये रोशनी कैसे हो सकती है? कहीं यहीं तो कोई हिडन रास्ता नहीं है? यस यहीं पर कुछ है। लड्डू सिंह जी इधर अंदर कुछ है, आप लोग देखिए आसपास कोई और सुराग जरूर मिलेगा। मिल गया। वाह कितना डरते हैं, अंदर जाना है, चलिए। हाँ हाँ जाना है। ये सब क्या है, यहाँ तो पूरा का पूरा स्टेशन बना हुआ है। ये शिवा आ गया। हाँ, रेवा तुम लोग ठीक हो ना? ये डोर किसने खोला? रंगा जल्दी डोर बंद कर दो। तो तुम शिवा हो हैं? मेरे आदमियों को तुमने ही जेल भिजवाया, इंस्पेक्टर को भी साथ लेकर आए हो। तुम सबका गुमनाम सिंह के गुमनाम स्टेशन में स्वागत है। पकड़ लो इस बच्चे को और बांध दो। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। शिवा 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 शिवा।
सिंह भाग रहा है। शिवा, तुमने मेरी बरसों से छुपाई हुई पहचान को जग जाहिर कर दिया। मैं इस ट्रेन को हाईजैक करके इस गुमनाम स्टेशन में रखने वाला था और उससे बहुत सारा पैसा कमाने वाला था। मेरा गुमनाम स्टेशन भी अब गुमनाम नहीं रहा। तुम चिंता मत करो गुमनाम सिंह, मैं तुमको ऐसी गुमनाम जेल में डालूंगा जहां परिंदा तक पर नहीं मारता हो। तो बोलो बोलो कहाँ चलना पसंद करोगे।